नमस्कार, स्वागत है आपका रेन वॉरियर न्यूज में। जहां उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। आए दिन सड़क दुर्घटना के मामले सामने आते ही रहते हैं, जिसमें तमाम बेगुनाहों की जान चली जाती है। हालिया घटना बस और ट्रेलर की टक्कर की है। हरियाणा से बिहार जा रही डबल डेकर बस की ये भीषण टक्कर ने बहुतायत संख्या में बेगुनाहों की जान ले ली। जब ये बस अपने गंतव्य की ओर जा रही थी, रास्ते में से एक और बस मिली जो खराब खड़ी थी, और इस कारण उस खराब बस के कुछ यात्री भी इस बस में सफर करने के लिए आ गए। सूचना के अनुसार बस में करीब 150 यात्री सफर कर रहे थे। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि यह बस भी एक्सल टूटने की वजह से खराब हो गई थी, जिस कारण चालक ने इसे सड़क के किनारे खड़ा कर दिया था। घटना उत्तर प्रदेश के बाराबंकी की है। इसी बीच रात करीब 11:30 बजे लखनऊ की ओर से आ रहे तेज रफ्तार ट्रेलर ने कुछ इस कदर टक्कर मारी कि बस और ट्रक की चपेट में आकर 11 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और करीब 7 लोगों ने अस्पताल पहुंचते दम तोड़ दिया। यह भयानक मंजर दिल दहला देने वाला है। मृतकों की संख्या अभी तक 18 बताई जा रही है। आशंका है कि संख्या में इजाफा भी हो सकता है। घटना के बाद आसपास के लोगों की मदद से व पुलिस बल की मदद से गंभीर हालत में घायल लोगों को लखनऊ ट्रामा सेंटर भेज दिया गया है। इसी दौरान तेज बारिश ने भी कोहराम मचाया। अब देखना यह होगा कि दोनों राज्यों की सरकार इसको कब तक संज्ञान में लेती है। इसी तरह की दिल दहला देने वाली घटनाओं से बचने के लिए कितना अमल करती हैं? क्या मृतकों को मुआवजा देने के बाद मामला शांत कर दिया जाएगा? आज रात्रि में जनपद बाराबंकी रामसने घाट में हाईवे पर एक दुखद घटना हुई। एक बस जो ज़्यादातर उसमें अभी तक जो पता लगा है सीतामढ़ी सहरसा आदि जनपद के लोग थे, बिहार के, ये पंजाब या हरियाणा में जहाँ काम करते हैं वहाँ से ये वापस जा रहे थे। बस का एक्सल टूटने के कारण लोग बाहर आ गए थे। कई लोग बस के साइड में, कई लोग बस के सामने लेटे हुए थे, क्योंकि उनको ड्राइवर ने ये बताया कि उसको जो है रिपेयर करने तक उनको समय लगेगा, तो रात्रि काल में वो विश्राम कर रहे थे। उसी समय पीछे से एक ट्रक आकर इस बस के साथ जब एक्सीडेंट कर लिया, जिसमें बस इनके ऊपर चढ़ गया और उसके लिए बहुत काफ़ी संख्या में लोगों की कैजुअल्टी हुई, लोग इंजर्ड हुए। इस जिला अस्पताल में इस समय हम लोग जहां पर मौजूद है, यहां पर 19 लोग ये उपचाराधीन है, और यहां पर जो लोग लाए गए थे उसमें से कुल 3 व्यक्ति, 2 ब्रॉड डेड थे और एक की भी मृत्यु हो गई थी, तो इस प्रकार 3 लोगों की मृत्यु थी। कई लोग बस के नीचे अभी भी दबे हुए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन हमारा जारी है। उसके साथ साथ कई लोगों की डेड बॉडी निकाला जा चुका है। इस प्रकार कुल अभी तक की जानकारी के हिसाब से लगभग 18 लोगों की मृत्यु तो हो चुकी है। इस दुखद घटना के बाद जिला प्रशासन और पुलिस सक्रिय होकर हम लोग सभी प्रयास कर रहे हैं कि इनको सही चिकित्सा की सुविधा मिल जाए और बाकी शेष कार्रवाई भी की जा रही है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।